वेलकम बैक टू मेकअप मिस्ट्रेस बलाम पैमला और आज का वीडियो होने वाला है बिल्कुल ही रॉ एक मेकअप लुक मैं शेयर करने वाली हूँ जो कि विंटर्स के लिए बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट है वैसे ये समर में शॉर्ट किया गया था मैं पोस्ट नहीं कर पाई जो लोग मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करते उन लोग को पता है कि ये लुक मैंने शॉर्ट कर लिया था पर ये एब्सल्यूटली एक रॉ वीडियो है कैसे मैंने इसको फिल्म किया क्या मैंने यूज़ किया सब कुछ एकदम रॉ तो आई होप आप लोग इन्जॉय करेंगे बिकॉज ये सिर्फ़ एक थोड़ा सा मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर चुकी हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो <laughs> तो ये मैंने पैक का लेंसेज लगाया है मून स्टोन और मैं पैक का ही एक ऑयल प्राइमर लगा रही हूँ ऑयल प्राइमर जो है वो विंटर के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है और यहाँ पे ये जो नेक का जो uh, नेक्स का जो ड्रॉप फाउंडेशन uh, है ना ये भी विंटर के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट है यू नो द कवरेज इज़ वेरी लाइक मीडियम टू बिल्डेबल एंड द फील इज वेरी लाइक स्किन लाइक तो वो विंटर के लिए मुझे बहुत मतलब चाहिए होता है वैसे ये समर में शॉर्ट किया आपको पता ही चल गया होगा बिकॉज ऑलरेडी फैन चल रहा है पीछे सब उड़ रहा है और ए सी भी ऑन है तो ये एकदम रॉ है जैसा ड्यूरिंग द फिल्मिंग होता है बिल्कुल आप लोगों के सामने वैसे ही मैंने पेश किया है इसको मैंने तो सोचा हमेशा तो एडिट करके काट कूट के करती हूँ चलो इस बार कोई एडिट नहीं है कुछ नहीं सिर्फ रॉ वीडियो और ये मैंने यहाँ पे ना वेट एंड वर्ल्ड का एक थोड़ा सा लाइट फाउंड मेरे स्किन टोन से दो शेड लाइट है उसको मैंने थोड़ा सा ही अप्लाई किया है और मैं यहाँ पे ना ज़ोर ज़ोर से गाने सुन रही थी और ख़ुद भी गा रही थी <laughs> तो और इस का टेम्परेचर हमेशा मेरा कभी बड़ा कभी कम कभी ऐसे ही मैं करती रहती हूँ और पाउडर से मैंने यहाँ पे सेट किया है मेरे फेस को और ये फिटमें का प्राउड बहुत अच्छा है वैसे है ना मतलब बहुत ही अच्छा है इतना कम प्राइस में बहुत अच्छा है और ये नया ना मेरे पास आया था जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं वो लोगों को पता है कि ये मुझे मे की तरफ़ से आते हैं इन लोगों का न्यू लॉन्च है ये वाला बहुत अच्छा है मतलब काफ़ी सही है पुराना वाला भी अच्छा ही था एक्चुअली और ये भी काफ़ी सही है तो उसके बाद मैं ना यहाँ पे ये वाला जो बेर मिनरल्स का ब्राउन्जर है ना ये यूज़ करी हूँ ये मुझे बहुत पसंद है मतलब मैं जैसा मेकअप पसंद करती हूँ साटलन ब्राउन्जर फेस वैसे मुझे बहुत पसंद है ये बेका का एक यू you नो know, एक क्रीम फॉर्म में एक हाइलाइटर है क्योंकि विंटर्स है ना मैं हमेशा यही कोशिश कर रही हूँ कि मेरे स्किन को हाइड्रेशन मिलती रहे तो ये विंटर अप्रोप्रिएट मेकअप में दिखा रही थी इसीलिए ऐसा है और उसके ऊपर ना मैंने पाउडर जो हाइलाइटर होता है ई बी, बी पी एस सी का बहुत बहुत अच्छा ये बिक्ड हाईलाइटर और ये मैं अप्लाई कर रही हूँ मतलब विंटर में मुझे लगता है थोड़ा हाई स्किन थोड़ा ग्लॉस थोड़ा ग्लो आ, मतलब चाहिए होता है जो देख रहा है ना उसके लिए भी आँखों के लिए हाइड्रेशन होता है पता नहीं आई थिंक आई थिंक इट दिस वे और यहाँ पे उसके बाद मैं अपने आईब्राउज़ को फिल कर रही करी मेरे ऑल टाइम फेवरेट बेनिफिट का ये ये जो है ना ये बहुत टाइम चलता है आप लोग अगर आप लोगों को ब्राउज़ करना पसंद है और आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हो ना किसी एक ही प्रोडक्ट पे तो आप बेनिफिट पे इन्वेस्ट करो मतलब ये इतना दिन चलेगा आप लोग बोर हो जाओगे कि आप मुझे नया प्रोडक्ट दिलवाओ पर ये ख़त्म नहीं होगा सच में बहुत टाइम चलता है ये और इतना नेचुरल फिनिश आता है आप लोग देख सकते हो मतलब आई जस्ट लव इट मतलब क्या से क्या बना दिया <laughs> वैसे मेरे हाथों को भी थोड़ा सा कमाल है <laughs> और मुझे यहाँ पे मेरा बेस इतना भयंकर अच्छा लग रहा है मैं क्या ही बताऊँ और ये वाला पैलेट मैं बहुत टाइम बाहर निकाली हूँ मेरा बहुत फेवरेट है रेवोल्यूशन का पैलेट और इसके शेड्स बहुत अच्छे हैं मतलब इतने पिगमेंटेड है कि मैं क्या ही बताऊं और यहाँ पे मैं एक पिंक वाला शेड लेके पूरे अपने आईज में मतलब मतलब मुझे थोड़ा आज तो एकदम कुछ हट के लुक करना था मैं पहले से ही सोच के बैठी थी पर क्या करना था एक्चुअली नहीं पता होता है जब करने बैठती हूँ ना जब वीडियो शूट करने बैठती हूँ मुझे एक्चुअली नहीं पता होता हमेशा कि क्या करने बैठी हूँ इस वीडियो में तो बिल्कुल नहीं पता था और यहाँ पर मैं थोड़ा सा वो डरमा का कंसीलर लगा रही हूँ और देखो मैं गाना गा रही हूँ मतलब <laughs> तो उसका अगर ऑडियो चला रही होती ना मैं तो आप लोग हंस हंस के लुट हो जाते वैसे ये वायरल भी हो सकता था वही देना चाहिए था <laughs> वैसे फिर इसके बाद मैं और थोड़ा सा और ज़्यादा पिंक शेड से मैं इसको आम, थोड़ा सा कवर कर रही हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा एक वायलेट शेड ले लिया मैंने ये जो पैलेट मेरे हाथों में है ना ये कलर पॉप का ब्लेंडिंग इनटू ह्यू बहुत अच्छा पैलेट है मतलब इतने ब्यूटीफुल शेड्स है इतने पिगमेंटेड है कि मैं क्या ही बताऊँ और फिर यहाँ पे ना मैं आप लोग को एक सच बात बताऊँ मुझे पता नहीं था कि मैं इसमें क्या करूँ फिर मैंने ना ये जो कलर लिया जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया पर मेरे एक्सप्रेशन से शायद आपको पता नहीं चल रहा है पर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया तो मैंने सोचा इसको थोड़ा ग्लैम अप कर लेते हैं शॉपर एल का ये वाला जो ग्लिटर है ना इससे तो मैंने यहाँ पे लिया करैलॉन का जो मतलब ग्लू होता है ना ग्लिटर ग्लू वो ले लिया और उसके बाद ये ग्लिटर चिपका दिए आप लोग सोच नहीं सकते एक ग्लिटर कैन डू सच वनडर्स लाइक इट कैन मतलब ब्रेक और यू नो जस्ट मेक द लुक एंड हियर इट मेड इट इट मेड इट सो ऑसम कि मैं क्या ही बताऊँ आप लोग खुद देख सकते हो यहाँ पे बहुत ब्यूटिफुल लग रहा था ये ग्लिटर अप्लाई करने के बाद बहुत ज़्यादा मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया इसके थोड़े थोड़े जो आउट्स होते हैं उसको बस ब्रश से अच्छे से हटा दो नीचे भी सेम शेड्स थोड़े से लगा लिया मैंने और मस्करा लगा रही हूँ मैं ये वाला मस्करा आ, मैंने मेरे इंस्टाग्राम पे और शायद शॉर्ट्स पे भी मैंने रिव्यू किया है आप लोग प्लीज़ मुझे फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पर पैमला अंडस्कोड मेकअप मिस्ट्रेस और यहाँ पे मैं रिमेल का ये वाइट लाइनर लगा रही हूँ देखो ये ये ऐसा ही होता है कि लग नहीं रहा है क्योंकि ऑलरेडी इस पर थोड़ा इधर उधर आई लग चुका है तो मैं बालों पर ऐसे किसके? दिस इज द रॉ एंड रियल तो मैंने ना जो आ, आई लैश हैं वो मैंने ऑफ कैमरा लगाया था क्योंकि बहुत टाइम लगता है उस ना करने जाओ ना तो ये फास्ट फॉरवर्डेड वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाता है तो फिर मैम ने लैशेज को लेकर ना बहुत ज़्यादा वो कि मुझे एकदम परफेक्ट चाहिए होता है क्योंकि मैं आई लुक्स जो नीचे देख के ऊपर देख के देखता हो ना बहुत गंदा दिखता है तो बस इसके बाद मैंने एक बहुत ही पुराना सा शेड है बॉम्बे आई थिंक इसका नाम है नायका का लिक्विड जब पहली बार निकाला था वो है बहुत खूबसूरत न्यूड है और ये रहा मेरा फाइनल लुक <laughs> कैसा लगा बताइएगा ज़रूर फॉलो करते रहिए मुझे मेरे वीडियोस को लाइक कर लीजिए थोड़ा सा मुझे भी इससे थोड़ा मतलब अच्छा लगता है कि हाँ <laughs> कुछ काम अच्छा कर रही हूँ कमेंट्स करते रहिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करते रहिए और हाँ बस ही प्यार करते रहिए और मैं बहुत जल्द मिलूँगी आप सबसे मेरे नेक्स्ट वीडियो पर चिल्ड्रेन बाय टेक केयर एंड स्टे वॉचेस